गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज स्पीडी लियो एंड दिस इज आवर बॉय मैक्सिल विद हिज RXZ 6 स्पीड। एंड गाइस आज हम लोग बहुत ही एक स्पेशल वीडियो लेके आए हैं, दैट इज अबाउट द RXZ 6 स्पीड। एंड मैक्सिल भाई है अपने साथ में, तो ही विल टेल यू ऑल द स्पेसिफिकेशन ऑफ द बाइक एंड क्यू ये बाइक इतना स्पेशल है अमंग्स द अदर रेस्ट ऑफ द बाइक्स, जैसे कि RX 100 हो गया, RXZ हो गया, 5 स्पीड हो गया, RX 135 हो गया, तो ये गाड़ी उनसे क्यों अलग है और ये गाड़ी का इतना डिमांड क्यों है एंड ये बाइक इतना रेयर क्यों है मार्केट में, तो अपने मैक्सिल भाई आज सब बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस एज यू कैन सी दिस इज द RXZ 6 स्पीड एंड जस्ट लेट मी गिव यू अ वॉक अराउंड। एंड अभी मैक्सिल भाई बताएंगे कि बाइक में क्या क्या स्पेशल है। सो स्टार्टिंग ऑफ विद अ वेरी बेसिक थिंग्स, तो ये गाड़ी का खासियत क्या है? सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये RXZ 6 स्पीड है। हाँ, तो एज ऑल ऑफ यू गाइस नो दैट दिस बाइक इज इक्विप्ड विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये है कैटलाइजर मॉडल। अच्छा, ये आता है 2006 से स्टार्ट हुआ है ये कैटलाइजर मॉडल, 2005 या 2006 से। अच्छा, तो इस मॉडल में अगर आप देखेंगे सामने से इसका फेयरिंग वगैरह, ओके, इसका बॉडी किट पूरा अलग है। हाँ, इसको पीछे से ये सिंगल एक पैनल दिया है। अच्छा, ये पैनल यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ तक है। ओके, ये पूरा एक सिंगल पैनल है। अपने RXZ में कैसा है, पैनल यहाँ से दो पार्ट में डिवाइडेड है। बराबर, तो इसका ये है और फिर इसमें ग्रैब हैंडल भी अलग आता है, इसका टेलर भी अलग है। तो इसका मैंने शॉक अब्जॉर्बर भी मैंने चेंज किया है, पहले इनिशियली अलग था। अच्छा, इसको मैंने YSS के डाला। करेक्ट, मेरे 100 में भी वही है, 99% गाड़ी में सब YSS ही है। करेक्ट, तो और Z6 स्पीड का एक और खासियत है कि ये 2-piece हैंडल में आता है। अच्छा, क्लिप ऑन टाइप। हाँ, क्लिप ऑन टाइप्स में इसका ऐसा पूरा सेटअप ये आता है। इसका मीटर भी अगर आप देखने जाओगे तो मीटर भी टोटली अलग है। हाँ, इसमें RPM भी है एंड स्पीड भी है। इसका फ्यूल गेज भी है। हाँ, फ्यूल गेज मेरा फिलहाल बंद रखा है मैंने, तो चल नहीं रहे। बाकी इसमें न्यूट्रल है, ऑयल का है। हाँ, ऑयल भी आई गेस वर्किंग ही है। यस यस, ऑयल वर्किंग है इसका। हाँ, एंड हाई बीम है और ये टर्न का है। यस, ओके। बाकी इंजन के बारे में कुछ? इंजन अभी एक्चुअली इसका इंजन मैंने रिबिल्ड किया है। अच्छा, तो उसमें मैंने 0.75 पिस्टन वगैरह डाला है। चेंबर जैसे आप देख रहे हो, चेंबर भी मैंने लगाया हुआ है इसमें। तो इसका एक्चुअली नॉर्मल इसका जो पिस्टन साइज है वो अपने नॉर्मल RX 135 से छोटा है। अच्छा, तो अगर अपन RX 135 का पिस्टन डालेंगे तो मेरे ख्याल से वो 1mm प्लस जाते हैं इस गाड़ी में। ओ वाओ। हाँ, और इसका जो काब आता है वो है VM 26 mm कार्बोरेटर आता है इसका। अच्छा, तो अगर आप कार्बोरेटर पे भी देखोगे ना, यहाँ पे उसका कोड दिया है। हाँ, ये अगर आपको हाँ, क्लियरली हाँ, दिख रहे तो करेक्ट करेक्ट 5RM ऐसा कुछ लिखा है, 5PV लिखा रहेगा, PV1। हाँ करेक्ट। हाँ, तो ऐसा है। तो और जैसे नाम रिजेंबल करता है 6 RXZ 6 स्पीड, तो ये 6 स्पीड का गियर बॉक्स है इसके अंदर। तो बाकी इंजन का जितना भी कंपोनेंट्स है, हाँ, अपने नॉर्मल RX से बहुत ज्यादा अलग है। अच्छा, तो अगर कोई लोग RX या फिर Z, RX 100 135Z। अच्छा, अपना जो 100 135Z का तीनों का चेंबर जो सेंटर केसिंग है रहता है वो सब सेम रहता है। अच्छा, इसका केसिंग ही अलग है। ओके, इसका केसिंग हल्का ब्रॉड दिया है जस्ट टू अकोमोडेट द 6 स्पीड गियर बॉक्स। अच्छा, एंड बाकी और एक चीज अगर नोटिस करेंगे तो फिर ये जो बाहर का इसका केसिंग है, हाँ, ये अपना 135 4 स्पीड वो सब में, हाँ, तो वो इसमें नहीं बैठेगा एंड इसका उसमें भी नहीं बैठ सकता है इसके अंदर। तो देखा जाए तो टोटली फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम द फ्रेम एंड एवरीथिंग, ये कोई भी पार्ट शेयर नहीं करता है एंड इसका कोई भी पार्ट्स उसमें नहीं जा सकता है। सो वो तो हो गया इंजन का। बाकी अगर ये देखेंगे हम लोग, इसके अंदर डिस्क ब्रेक है, तो ये फ्रॉम फैक्ट्री है। यस, एंड बाकी इसके अंदर क्या क्या है फ्रॉम फैक्ट्री? हाँ, इसका ये जो रिम्स है, रिम्स मैंने अलग से डाला हुआ है। अच्छा, ये मलेशिया में आफ्टर मार्केट आता है बट ये अपने को इंडिया में मेरे को सोर्स हो गया। अच्छा, तो मैंने लेके इसको डायरेक्ट फिट कर लगा दिया है। अच्छा, इसमें मेरे को कोई ऑल्ट्रेशन करना नहीं पड़ा। एंड बाकी ये डिस्क इसका ओरिजिनल है? डिस्क इसका ओरिजिनल है, डिस्क और कैलिपर दोनों इसका ओरिजिनल है। अच्छा, ये भी, एंड इसमें भी ये जापानीज में लिखा है गाइस। यस, ये इसका RXZ 6 स्पीड का बड़ा कैलिपर ही आता है। अगर आप इसका और RXZ 5 स्पीड का अपना कैलिपर नहीं बोल रहा हूँ, मास्टर सिलेंडर का जो साइज है इसमें बड़ा वाला आता है और यामा RXZ 5 स्पीड का थोड़ा छोटा आता है R15 के साइज का। अच्छा, बाकी फिर ये किल स्विच भी इसके अंदर आता है? हाँ, किल स्विच ओरिजिनल गाड़ी में आता है। ये इसका किल स्विच और अपना लेफ्ट हैंड स्विच। इसमें हाई बीम, लो बीम, टर्न बाय टर्न एंड फिर इसमें हॉर्न पास भी है। अच्छा,
तो ये तो हो गया है इसका फ्रंट का पार्ट, एंड बाकी स्प्रॉकेट वगैरह सब कुछ इसका स्प्रॉकेट, इसका चेन स्प्रॉकेट भी अलग है। अच्छा, तो हाँ जैसे कि आप लोग ने बताया इसका फ्रॉम टॉप टू बॉटम एवरीथिंग इसका अलग आता है, सो वैसे ही इसका स्प्रॉकेट भी एकदम ही अलग है, एंड कोई भी पार्ट्स ये शेयर नहीं करता है। सो गाइस जैसे कि आप लोग और एक चीज़ देख सकते हैं, जो अपना RX 100 में आता है उसका फ्रंट वाला फुट रेस्ट एंड रियर वाला अलग रहता है, लेकिन इसका पूरा सिंगल पीस में आता है। एंड मैक्सिल ब्रो अपने को बताओ जरा कि इसके अपन ने इसके अंदर अपन ने क्या क्या चेंज किया है जो स्टॉक में नहीं है। देखो अभी आप अगर देख रहे हो इसमें YSS के मैंने शॉक्स डाले हैं। करेक्ट, ठीक है। इसके शॉक्स जो स्टॉक वाले शॉक्स आते हैं वो थोड़े से छोटे आते हैं, इतने ही साइज में रहते हैं, बिकॉज ये गाड़ी थोड़ी शॉर्ट है। ये गाड़ी एक्चुअली बोलते ना ऐसा रेस्पेक्ट टाइप्स बनाई है। अच्छा, हाँ, कंपनी से। करेक्ट, बिकॉज आपका इसका अगर फुटेज देखोगे ना तो ये थोड़ा टुवर्ड्स दी रियर पोजिशन है, जैसे ड्रैग की गाड़ी में रहते हैं। अभी नॉर्मली आप अगर RX का आपका ही गाड़ी देखोगे तो इसका फुटरेस्ट देखो आगे की तरफ है। करेक्ट करेक्ट, ये जो इसका प्लेसमेंट है ना ये आगे की तरफ है। हाँ हाँ, बट जैसे आप इस गाड़ी के ऊपर बैठोगे ना तो उसका प्लेसमेंट थोड़ा पीछे की तरफ आता है, विच मेक्स योर राइड कम्फर्टेबिलिटी लिटिल बेटर। और गाड़ी ऑब्वियसली स्प्रिंट के लिए बनी है तो फिर वो गाड़ी चलती भी है। और ये सिंस दिस इज अ कैटलाइजर मॉडल, इसका बॉडी उसी एरोडायनामिक्स के हिसाब से बना हुआ है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है गाइस अभी मैं आप लोगों को बैठ के दिखाता है कि एक्चुअली ये इसका पोजीशन है कैसा। तो RX 100 या फिर 135 में कैसा होता है कि उसका फुटरेस्ट भी लिटरली ये पोजीशन पे रहता है, आप लोग एकदम अपराइट बैठते हैं उसके अंदर। सो यूजुअली RX 100 में कैसा होता है आपका फुटरेस्ट पैर इधर रहता है एंड यू सिट वेरी वेरी ऐसा अपराइट, लेकिन इसमें ऐसा है कि आपका ये फुटपैक पीछे सरक गया है एंड ये क्लिप ऑन होने की वजह से और एकदम रेसिंग और एकदम स्पोर्टी स्टांस आता है, तो जिसकी वजह से एकदम अग्रेसिव है बाइक। एंड बाकी RX 100 135Z वो कैसा उसके अंदर नॉर्मल हैंडल बार आता है एंड आप लोग थोड़ा सा अपराइट बैठते हो। सो आप लोग वो सब बाइक्स में एकदम अपराइट बैठते हैं, ये बाइक वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एकदम स्पोर्टी है। तो आप लोग मेरा पोजिशन ही देख सकते हैं कि मैं कितना एग्रेसिवली बैठा है इसके अंदर। सो दिस वॉज द स्टांस ऑफ द बाइक आफ्टर द राइडर सीट। सो गाइस अभी मैं आप लोग को एक बहुत ही यूनिक चीज़ दिखाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये इसका RPM है, RPM गेज। सो कमिंग फ्रॉम हियर अभी आप लोग देखेंगे ये उसका केबल है एंड ये केबल जाता है और ये आता है इधर। एंड मैक्सिल भाई अपना ये यूजुअली किधर रहता है इसका RPM अगर देखोगे ना तो इसका RPM इसके ऊपर सिचुएटेड है, ठीक है। अच्छा। ये RPM यहाँ से इसके ऊपर टाइट होता है, इसके अंदर एक पिनियन गियर रहते हैं। अच्छा। तो वो गियर अपना क्लच बेल को कनेक्टेड रहता है और उससे अपना RPM शो होता है। अब नॉर्मली अगर आप अपना RX-Z 5-speed देखेंगे तो इसके यहाँ पे एक ऐसा होल रहेगा। करेक्ट करेक्ट, यहाँ पे एक होल रहता है जो अपना RPM अंदर जाता है और वो एक पिनियन गियर से कनेक्टेड रहता है जो प्राइमरी ड्राइव से घूमता है। ओके, तो मतलब बेसिकली वो इधर वो 5-speed वाला का इधर रहता है एंड ये इधर रहता है। yes, तो ये भी काफ़ी यूनिक है इसके अंदर। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इंजन के ऊपर लिखा है 600, तो इसका कितना आता है मैक्सिल भाई, इसमें ऑयल कितना जाता है? 600 ml जाता है। हाँ, बट जैसा जैसा थोड़ा यूज होएगा ना वैसा उसको थोड़ा हल्का टॉप अप करना ही पड़ता है। अच्छा, वो इट इज नॉट ओनली फॉर इस गाड़ी के स्पेसिफिक, बट वो अपना यामा में भी वैसे ही होते हैं। अच्छा, टॉप अप करना ही पड़ता है। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये इसका किक है एंड ये किक भी बहुत अलग तरीके का एकदम यूनिक है एंड इसके लिए आपको फुट रेस्ट वगैरह कुछ बेंड करने का ज़रूरत नहीं है। एंड इधर आप लोग जैसे देख सकते हैं ये एक क्या बोलते हैं इसको, किक स्टॉपर, तो वो इंजन केसिंग को टच नहीं होना चाहिए, उसके लिए ये स्टॉपर भी रहता है। अगर आप अभी देखेंगे ना ध्यान से तो ये किक का स्ट्रक्चरल देखो, ये किक ऐसा बनाया है ताकि वो यहाँ पे आपके केसिंग को ना लगे। बराबर, आपका केसिंग भी देखो, अपना जो 6-speed का केसिंग है उसको ऐसा ग्रूव दिया गया है जस्ट सो दैट ये इधर ऐसा करेक्ट प्रॉपरली बैठे, तो ये इसको वैसे भी लगता नहीं है। देखो ये इधर जाके स्टॉप हो जाता है। करेक्ट करेक्ट। बाकी इसका बिल्ड एकदम बहुत ही एकदम टॉप नॉच है। फिर बाकी अगर अपन दूसरा कुछ देखेंगे तो इसका ऑयल ये साइड पे रहता है, ऑयल टैंक इसके अंदर रहता है। अच्छा, तो ये आपको पूरा पैनल खोलना पड़ेगा इसके लिए। सो ये कुछ बेसिक चीज़ है, जैसे कि अपना 100 में रहता है एंड ये 6-speed का कुछ ऐसा आता है। बाकी ये भी एयर कूल्ड इंजन है, आपको किधर ऑयल कूलिंग वाला सिस्टम नहीं दिखेगा, रेडिएटर नहीं दिखेगा। सो ब्रो अभी अपन देखते हैं इसके अंदर टायर कौन सा आता है। तो अपना RX 100 में तो आता है 2.50 एंड 2.75 पीछे फ्रॉम फैक्ट्री। फैक्ट्री से RX 100 को आता है 2.50-18 और पीछे 2.75-18। RX 135 का आता है 2.75-18 और पीछे 318। अच्छा, और Z को भी सेम है। सेम है,
इसमें अभी इसमें फैक्ट्री से उसका वही साइज है 275 और 318 बट मैंने इसमें 80-18 आगे 80-18 पीछे। अच्छा ये मैंने डाला है मिशेलिन पायलट स्पोर्टी पायलट स्ट्रीट टू। अच्छा एंड बाकी इसका बैटरी वगैरह नॉर्मली आता है जैसा आरएक्स का आता है वैसे आता है। अच्छा तो अभी अपन थोड़ा सा इसका गाड़ी का खासियत के बारे में बात करेंगे कि मतलब ये गाड़ी पब्लिक सोर्स किधर से करता है एंड ये गाड़ी का होएगा कितना इंडिया में नंबर्स कितना होंगे इसके गाड़ी में इंडिया में। तो देखो अभी फिलहाल तो काफ़ी नंबर्स है बट अभी ये गाड़ी सोर्स करने का सिस्टम ऐसा है कि ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्ट होता है। अच्छा आपको लोकली ये गाड़ी खरीदने को नहीं मिलेगी। करेक्ट करेक्ट। अभी बहुत सारा गाड़ी अवेलेबल है बैंगलोर में मुंबई में भी बट अभी सिंस दिस इज अ टू स्ट्रोक जो भी इम्पोर्ट होता है ये गाड़ी तो ये गाड़ी तुमको बाहर से ही लाना पड़ता है। अच्छा ऐसा तो मतलब आपको बाहर कॉन्टैक्ट से तभी आप लोग लेकिन करेंटली अभी आप इसको इम्पोर्ट नहीं कर सकते आई गेस। करेंटली इसको इम्पोर्ट कर सकते हो बट इसको रजिस्टर नहीं कर सकते। अच्छा तो फिर आपको आपके पर्सनल स्पेस में चलाना पड़ेगा या फिर आपका समथिंग लाइक दैट आप जैसे यूज कर सकते हो वैसे नहीं तो फिर उसको जैसे नॉर्मली अगर लोग अब बिकॉज इसका सिस्टम ऐसा है कि नया गाड़ी ही रजिस्टर होता है। अच्छा और इसको अगर रजिस्टर करना रहेगा तो आपको 110% कुछ टैक्स पे करना पड़ता है जो विच इज ऑफ द इनवॉइस वैल्यू। अच्छा तो अभी इनवॉइस इसका वैल्यू कुछ जाता है मेरे ख्याल से 1.5-2 lakh तक के। अभी किसी को अगर उसका उतना टैक्स पे करने का ताकत है तो टैक्स पे करे और फिर उसको रजिस्टर कर ले। करेक्ट। तो मतलब देखा जाए तो ये गाड़ी जितना स्पेशल है उसमें उतना मगजमारी भी है लेकिन गाड़ी है हटके है कुछ तो भी। दिस इज बेसिकली अ कलेक्टर्स बाइक। करेक्ट। मतलब अगर तुम्हारे पास कलेक्शन है गाड़ी सिर्फ ऐसा तुमने एक शौक के हिसाब से रखा है तो फिर टू बी ऑनेस्ट ये गाड़ी के बारे में मेरे को एक साल का पहले ही मालूम पड़ा। उसके पहले मेरे को आइडिया नहीं था। मेरे को 5-speed तक मालूम था मेरे को RD वगैरह ऐसा मालूम था। अपना गाड़ी थोड़ा हाइबरनेशन मोड में था इसके लिए आया नहीं बाहर। बाकी उसका इंजन का मैंने काम कराने के लिए दिया था अभी काम करा के आ गया तो फिर अपने पास अभी आ गया गाड़ी। So guys, that was the RXZ 6-speed with our bro Maxil and I hope आप लोगों को पसंद आया रहेगा ये वाला वीडियो एंड पूरा टॉप टू बॉटम हम लोग ने इन्फॉर्मेशन दे दिया आप लोगों को कि RXZ 6-speed होता कैसा है। सो गाइस मैक्सिल भाई का इंस्टाग्राम ID रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप लोग बिंदा जाके उनको कोई भी क्वेरीज रहेगा आप लोग को या फिर कुछ भी टिप्स चाहिए तो आप लोग उनका इंस्टाग्राम पे जाके पूछ सकते हैं। अननेसेसरी मैसेज मत करो जो भी सेंसिबल क्वेश्चन पूछो एंड रात के 2-3 फ़ोन मत करो उनको। सो That's about it for this video. Do like this video and do subscribe to my channel and do press the bell icon to never miss any other uploads. So until then guys, always wear a helmet and always ride within your limits and I hope to see you soon in the next one. Goodbye, take care and peace. Ride safe.